पिछले कुछ सालों में भारत में सोशल मीडिया की उपस्थिति और उसका महत्व काफी बढ़ा। कभी मस्ती, कभी टाइम पास या अपनी फीलिंग्स और पिक्चर शेयर करने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आज के समय में किसी भी तरह की सूचना, खबर या कोई अन्य जानकारी पाने के लिए सबसे बड़ा माध्यम बन गया है। भारत में अब राजनीति में भी सोशल मीडिया अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुका है, इसका काफी महत्व है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए सोशल मीडिया का जमकर इस्तेमाल किया। बता देते हैं कि सोशल मीडिया पर इस समय कांग्रेस और बीजेपी की क्या स्थिति है, लाइक और सब्सक्राइब और शेयर के गेम में कौन किस पर भारी है। बात अगर फेसबुक की करें तो इस प्लेटफॉर्म पर बीजेपी के करीब 16 मिलियन यानी 1,60,00,000 से ज्यादा फॉलोअर है। बीजेपी की ओर से किए गए पोस्ट को लाइक करने का औसत 4,000 से 8,000 के बीच पड़ता है। बता दें कि कांग्रेस फेसबुक पर बीजेपी से बहुत पीछे है, उसके इस प्लेटफॉर्म पर करीब 6.7 मिलियन यानी 70,00,000 फॉलोअर है। इंस्टाग्राम पर भारतीय जनता पार्टी के करीब 6 मिलियन यानी 60,00,000 फॉलोअर्स हैं। अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस के 2.1 मिलियन फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पर हैं। वहीं माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म एक्स यानी ट्विटर की बात की जाए तो बीजेपी के लिए सोशल मीडिया के मामले में सबसे बड़ा ये हथियार है। बीजेपी के करीब 21 मिलियन यानी 2,10,00,000 से अधिक फॉलोअर हैं। 1,00,000 से 3,00,000 तक व्यूज आसानी से आ जाते हैं। कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस के 10 मिलियन फॉलोअर्स हैं। यूट्यूब पर कौन कितना आ गया ये भी बता देते हैं। बीजेपी ने 1 नवंबर 2023 तक करीब 37,000 वीडियो शेयर किए जिसके 5 मिलियन फॉलोअर्स यूट्यूब पर हैं। कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस के 3.69 मिलियन फॉलोअर हैं। अगर सोशल मीडिया पर जीत की बात करें तो इस मामले में बीजेपी कांग्रेस से काफी आगे निकलती दिख रही है। फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच करीब आधे का फर्क है, जहां इस रेस में बीजेपी आगे नजर आ रही है।